आप किस आधार पे अपने कैंडिडेट को चुनेंगे, क्या मुद्दा होगा आपके जहन में? स्वच्छ छवि, ईमानदार और कर्मशीलता। क्या एयर स्ट्राइक के बाद से देश में माहौल बदला है? बहुत माहौल बदल रहा है, लोगों में एक विश्वास आया है कि मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, इंदिरा जी के बाद एक लीडर रहे हैं जो मोदी जी है, जो कुछ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि गरीबी खत्म हो, जो भ्रष्टाचार हो ये खत्म हो। हमारा देश एक सोने की चिड़िया का था, पहले सोने की चिड़िया बनना चाहिए, सब आपस में सब भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। जो लोग देश के सपोर्ट में आ रहे हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं, वो सारे उनके अकॉर्डिंग तो मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष क्या कुछ ना कुछ तो एजेंडा ले आएगी अपने के लिए, तो उनका ये है कि उनको अब उनके ऐसे रफाल डील है इसमें, जिसका मांग रहे हैं कुछ भी, तो इस केस में थोड़ा सा राहुल गांधी जी आ रहे हैं सामने की चौकीदार चोर है, लेकिन मेरे हिसाब से तो चौकीदार हमारा सही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज हम काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से कुछ दूर सफर करेंगे और उसमें बैठे यात्रियों से ये जानने की कोशिश, उसमें जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, आखिर किस मुद्दे पर वो अपना वोट देने जा रही है। सवाल काफी ढेर सारे हैं, लेकिन आज हम जो सवाल करेंगे वो होगा राष्ट्रवाद, या राष्ट्रवाद के नाम पर हमारी पार्टियों को वोट मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय। आप किस आधार पर वोट करने जाएंगे इस बार के चुनाव में? तो वोट करते हैं आप? यहाँ पर आते हैं, वोट तो वोट के मैं माहौल में रहता हूँ, गांव में वोट के गांव नहीं जा पाते उस वक्त, नौकरी पे आप रहते हैं, कहाँ से आते हैं? हम बलिया के हैं। बलिया के रहने वाले? आप ये बताइए कि अगर आप वोट करने जाते, अगर मान लीजिए आपको वक्त मिल गया जाने के लिए, तो आपके जहन में क्या सवाल होंगे, किस आधार पर आप अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे? अब जो देखूँ गांव जाने के बाद उस माहौल में जैसा रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। घर परिवार बलिया में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब वो तो जाएंगे वोट? हाँ जी, हाँ जी, जाते हैं, उनका जैसा माहौल होता है अपना गांव का, अपना जैसा रहता है उस हिसाब से अपना करते हैं। आप बताइए, बड़े नाराज बैठे हैं आप। ये बताइए, आप वोट करने जाएंगे ना? जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। कहाँ से है? मेरा घर बनारस में। बनारस से? तो बनारस में आप अपने कैंडिडेट को क्या सोच के जाएंगे वोट करने के लिए? नहीं भाई, हमारे बनारस में तो मोदी विकास किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, ऐसा कोई नहीं किया था, 40 साल की उम्र हो गई, कोई नहीं किया था, मोदी जो है वहाँ बहुत बढ़िया काम किए हैं। आप बताइए, आप किस आधार पर वोट करेंगे इस बार? आपके आपके क्या सवाल होगा? डेवलपमेंट होगा, राष्ट्रवाद होगा, या फिर कुछ और? डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट? अच्छा, राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद भी प्रेफरेंस देते हैं। आप हमें ये बताइए, क्या जो एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक के बाद देश में माहौल बदला है किसी पार्टी के लिए? हाँ, बीजेपी के लिए सपोर्टर बहुत बढ़े हैं इससे। तो ये है कि मतलब कोई ऐसा तो है जो मतलब ऑन स्पॉट डिसीजन ले सकता है, मतलब इससे ऑडिशन डिसीजन ले सकते हैं, और मोदी जी हमारा सेना को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, मतलब किसी का ऐसा नहीं है कि पूरी हम कुछ कमेटी बनाएंगे देन डिस्कशन करेंगे देन उनके ऊपर फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ भी, तो उनका जो डिसीजन होता है वो खुद डिसीजन मेकर हैं एक तरह से, तो डिसीजन अच्छे से ले लेते हैं। मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार हूँ देश का, फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, फिर उसके बाद कई कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिए, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी लिख दिए, इसको आप कैसे देखते हैं? चौकीदार चोर है, फिर उसके बाद उनके मोदी जी के लिए सब पक्ष में आ गए, मैं भी चौकीदार? नहीं, चौकीदार तो मैं भी टाइटल अपना चेंज कर रहा हूँ फेसबुक पे, मैं भी चौकीदार हूँ। जो लोग देश के सपोर्ट में आ रहे हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं, वो सारे उनके अकॉर्डिंग तो मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष क्या कुछ ना कुछ तो एजेंडा ले आएगी अपने के लिए, तो उनका ये है कि उनको अब उनके ऐसे रफाल डील है इसमें, जिसका मांग रहे हैं कुछ भी, तो अब ये कुछ भी डिफेंस का है उसका तो हम ऐसे एज यूजुअल नहीं दे सकते किसी को सामने, तो इस केस में थोड़ा सा राहुल गांधी जी आ रहे हैं सामने की चौकीदार चोर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो चौकीदार हमारा सही है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कहाँ के रहने वाले? क्या बनारस में काम हुआ 2014 के बाद? ज़्यादा डेवलप हुआ बनारस, बहुत ही अच्छा हो गया। कुछ हमें जो आप बता रहे अभी से, हमारा घर बाबतपुर है, बाबतपुर से आप एयरपोर्ट बनारस, अभी आपको हमें सिटी आना होता है, तो विदिन
15 या 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, और रोड ऐसी ऐसे लगता है कि हम बोला इंडिया में तो है ही नहीं, सारा इतना अच्छा डेवलपमेंट है। बहुत ही बढ़िया रोड बनवा दिया बनारस, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है हमारे बनारस का। मतलब एक्चुअली है क्या कि अंदर तो स्पेस नहीं है बनारस सिटी में, लेकिन बाहर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप वोट करते हैं? हाँ। आपके जहन में क्या सवाल होते हैं, किस आधार पर आप अपने सांसद या फिर देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं? अरे हम लोग तो इंटर लोग हैं, तो हम लोग को जॉब्स वगैरह चाहिए। एक्चुअली मैं तो जॉब करता हूँ, लेकिन जो अभी जो गवर्नमेंट है, काम तो अच्छा किया है इन्होंने, मतलब मोदी जी ने काम अच्छा किया है, लेकिन जो रोजगार की समस्या थी युवाओं के लिए, वो आज भी वैसी बनी हुई है जो पहले कांग्रेस के टाइम में थी। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि ये जो चीज़ है उसको मोदी जी अच्छा करें, और ऐसे हम लोग सपोर्ट करेंगे मोदी जी को अगले बार। अच्छा, मेरा एक सवाल कि अभी एयर स्ट्राइक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक पे काफ़ी सवाल उठे, और उसके बाद बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस या फिर अन्य दल सेना पे भरोसा नहीं करते हैं, तो आपको लगता है क्या राष्ट्रवाद एक मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? मेरे ख्याल से ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी सभी देश हित में सोचती हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। अब पार्टियां अगर, वो अलग बात है कि अपना मुद्दा बनाए राष्ट्रवाद की, लेकिन मैं दोनों पार्टियों पर ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है और भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बताइए आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव? मेरे लिए भी रोजगारी होगा, क्योंकि मैं इससे पहले अशोक लीलैंड में मतलब काम कर चुका हूँ। अच्छा। और मैं चूँकि एक प्राइवेट होने के नाते मैंने छोड़ दिया, और मैं अभी मेरा उम्र है, अभी मेरा टाइम है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। नागरिक है तो देश के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ देश पर हमारे पड़ोसी मुल्क जो भी कर रहा है, तो हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए। मोदी जी ने जो भी ये किया वो कोई गलत काम नहीं किया। बार बार जो भी अटैक होते हैं सीमा पर, हम चुप बैठ भी नहीं सकते हैं। हमारे सेना के जवान जो इतने मर रहे हैं, आखिरकार वो भी मतलब एक हमारे जैसे इंसान है, हमें भी सोचना चाहिए। मोदी जी ने सोचा और उन्होंने जो एयर स्ट्राइक किया या सर्जिकल स्ट्राइक किया, अच्छा काम किया, और इससे सबक मिलेगा आने वाले दिनों में कि हम भी चुप बैठने वाले नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और आपसे। राहुल गांधी ने नया नारा एक बनाया, चौकीदार चोर है, ठीक है, उसके बाद चौकीदार चौकीदार हर जगह, सारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने नाम के आगे ट्विटर वगैरह पे चौकीदार लिख दिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, और उनका जो डेजिग्नेशन है वो मेंटेन रहना चाहिए, चौकीदार उन्होंने बोला अपने आप को, और चौकीदार चोर है, मेरे ख्याल से ये गलत है। चौकीदार चोर है, कैसा लगा? ये गलत बात है, क्योंकि उन्होंने लगभग 15 साल पहले वो गुजरात में दे चुके हैं, वो जानते हैं कैसे विकास किया जाता है, और विकास कर भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं। दो हजार 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला है देश में, आपके लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, किस आधार पर अपने MP अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो मुझे लगता है सबसे बिगेस्ट जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो तो डेवलपमेंट ही होगा, और उसी पे सबसे ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करने की जरूरत है। नेशनलिज्म एक मुद्दा चल रहा है देश में, क्या ये वोट के लिए एक मुद्दा बनेगा? वो एक स्ट्रांग लीडरशिप तो हमेशा एक फैक्टर रहती है, जहाँ स्ट्रांग लीडरशिप रहेगी तो देश भी स्ट्रांगली उसको अपने व्यूज को रिप्रेजेंट कर पाएगा हर जगह, तो मुझे लगता है कि रहना चाहिए। नेशनलिज्म तो एक मुद्दा है ऑलरेडी, मुद्दा है आपके। आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से। बनारस से हैं, बनारस में क्या काम हुआ? काफ़ी ज़्यादा काम, अगर आप 5 साल पहले 2014 में अगर आप देखें और अभी तक कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा, जो भी अगर देखना चाहेगा तो बिल्कुल हर एक किसी भी सेक्टर में, आप रेलवे में बात करें, रोड्स की बात करें, घाट्स की बात करें, किसी भी सेक्टर में, तो मुझे लगता है काफ़ी चेंज हुआ। तो आप वोट करने जाएंगे? या, डेफिनेटली। क्या मुद्दा होगा आपके जहन में, क्या आप सोच के अपने कैंडिडेट को चुनेंगे? इंडिया को और स्ट्रॉन्ग बनाना है इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान चीन को और ठंडा करना है, टेररिज्म खत्म करना है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो देश के खिलाफ बोलते हैं देश में रह के, उन्हें हटाना है यहाँ से। डेवलपमेंट नहीं है, हो ही रहा है, अगर आप एडवांस टैक्स में ही देखें, इस बार का इलेक्शन टॉप पे रहा है, और भी नॉर्मल टैक्सेस में कितनी ज़्यादा 2.5 टाइम्स बढ़ोतरी हुई है,
नोटबंदी के बाद ये सब हुआ है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। क्या एयर स्ट्राइक के बाद से देश में माहौल बदला है? बहुत माहौल बदला है, लोगों में एक विश्वास आया है कि मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, इंदिरा जी के बाद एक लीडर रहे हैं जो मोदी जी है, जो कुछ कर सकते हैं, जिनमें गट्स है ऐसे फैसले लेने के। देश में इस वक्त चौकीदार की लहर चल रही है, चौकीदार नाम, पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर बोला, 2014 में मोदी जी ने बोला था कि चौकीदार, मैं चौकीदारी करूंगा देश की, फिर राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, फिर अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूपीए के पास कोई पॉइंट नहीं है, जो इस पॉइंट पे भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनके 10 साल के कार्यकाल में देख लीजिए वो उस पॉइंट पे क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, चाहे किसान का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, किसी भी देख लीजिए, खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा यूपीए क्या है, एनडीए क्या है। आप कहाँ से रहे हैं? बनारस। बनारस में क्या विकास हुआ? काफ़ी विकास हुआ है, चाहे रोड्स का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, सब कुछ में, हर चीज़ में। क्या इस बार के चुनाव में नेशनलिज्म एक मुद्दा है, राष्ट्रवाद एक मुद्दा है? आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दिस पॉलिटिक्स, बट आप वोट करने जाते हैं? नो, आई डोंट। आप वोट नहीं करते हैं? क्यों? बिकॉज आई एम फ्रॉम हरदोई एंड यू नो डूइंग जॉब इन दिल्ली। इस वजह से आप नहीं जाते? कभी वोट किया है आपने? कभी नहीं किया है? यस, वंस व्हेन आई वाज आई बिलीव 19 I believe 10 years back. उस वक्त आपके जहन में क्या सवाल थे, आप क्यों चुनेंगे अपने सांसद को कि अपने प्रधानमंत्री? रीजन इज जस्ट दैट कि एनीवन हु कम्स शुड वर्क फॉर द यू नो पीपल एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट। राष्ट्रवाद होगा, डेवलपमेंट भी होगा, राष्ट्रवाद होगा तो डेवलपमेंट भी होगा। नंबर एक क्या है आपके लिए? नंबर एक तो यही जो चल रहे हैं वही सही लग रहा है, डेवलपमेंट जरूरी है, जो चल रहा है वही सही है, बदलना नहीं चाहते हैं? नहीं, विकास का मुद्दा बनाया जाएगा कि जिसे पिछला 5 साल जिस तरह से काम हुआ, जो भी सरकार आए इससे भी और बेहतर तरीके से काम करे और देश का विकास हो। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से हूँ, पूरी यूपी में। कहाँ से? बलिया से। बलिया से। क्या आपके लिए राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा होगा? एयर स्ट्राइक हुआ आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर, क्या एयर स्ट्राइक के बाद देश में माहौल बदला है? हाँ, माहौल तो बदला है, सरकार के प्रति, जो पिछली सरकार थी जिसके कार्यकाल के दौरान एयर स्ट्राइक हुआ है, तो एयर स्ट्राइक के होने से थोड़ी सी सरकार के प्रति सिंपैथी बढ़ी है आम जनता का। देश में एक बात चल रही चौकीदार चोर है, राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, फिर उसके बाद सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं, ये मुद्दा आप कैसे देखते हैं, चौकीदार को आप कैसे देखते हैं? ये तो गलत है, ये तो एक खुफिया कलंक है, सब लोगों ने एक टाइटल बना लिया, कोई बहुत बड़ी बात है, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया है देश में, आप वोट करते हैं? अभी नहीं, अभी नहीं करते, 18 साल के नहीं हुए जी? नहीं। अच्छा, जब आप 18 साल के हो जाएंगे क्या मुद्दा होगा आपके लिए, क्यों आप वोट करेंगे? बिल्कुल, देश के विकास के लिए वोट किया जाएगा, जो पार्टी देश का विकास करेगी उसके लिए वोट किया जाएगा, देश के विकास। आप बताइए सर, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? देश का जो विकास है, अगर इस मुद्दे पे जो भी पार्टी अगर काम करती है तो उसको ज़्यादा पहले प्रेफर किया जाएगा। क्या नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद एक मुद्दा है? हाँ बिल्कुल है, अगर राष्ट्र के हित में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको पहले प्रेफर किया जाएगा। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद सवाल उठे एयर स्ट्राइक पे, फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा कि जो है विपक्ष सेना पे भरोसा नहीं करता। देखिए, विपक्ष सवाल तो हर किसी पे उठते ही रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार में एटलीस्ट कम से कम ये पहल हुई और एक मुंहतोड़ जवाब जो मिलना चाहिए वो कम से कम इस सरकार में इन्होंने एक पहल करी है, एक कम से कम एक एक्शंस लिया है, जो कि एक राष्ट्रहित में एक बहुत ही अच्छा। क्या देखते हैं आप जब अपने उम्मीदवार को वोट करने जाते हैं, तो आप क्या, आपके जहन में क्या होता है, किस बात के लिए आप वोट करेंगे उसको? हम अपना देश के विकास के लिए सबसे पहले देखते हैं ना, हमारा देश का विकास कौन नेता कौन करेगा, देश का विकास कौन कर सकता है?
क्या उम्मीदवार का जो चयन करते हैं आप, आपके सामने कई उम्मीदवार होते होंगे जब आप वोट करने जाते होंगे, तो आप उम्मीदवार का चयन अपने क्षेत्र के आधार पर, जो एमपी सांसद चुनाव लड़ते हैं उनके आधार पर देते हैं, या फिर प्रधानमंत्री का आप चेहरा देखते हैं सामने? प्रधानमंत्री का चेहरा देख के देते हैं। हमारा उम्मीदवार कोई भी हो, हम देखते हैं अपना प्रधानमंत्री का कि हमारा देश विकास करे। जी, जिला गांव से की बात नहीं है, हमारा देश विकास करे तो जिला विकास, जिला और गांव तो विकास करेगा ही। इस वक्त देश में राष्ट्रवाद की एक बातें चल रही हैं, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर नेताओं को वोट मिलेंगे? अब वो तो जनता के ऊपर अलग अलग सोच के अलग अलग डिपेंड करता है ना, अब राष्ट्रवाद के। आप बताइए आप किस आधार पर वोट करेंगे इस बार के चुनाव में? हम तो देखेंगे ऊपर आगे के लिए कि मतलब आगे मेरे भारत जो है तरक्की किसके मतलब करने पर करेगा इसके चक्कर में। आप बताइए इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि देश को लड़ाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और क्या। हम चाहते हैं कि गरीबी खत्म हो, जो भ्रष्टाचार हो ये खत्म हो। हमारा देश एक सोने की चिड़िया का था, पहले सोने की चिड़िया बनना चाहिए, और क्या, ये खत्म होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हमारा हिंदुस्तान है हमारा, सब आपस में सब भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। या आतंकवादी जो हो रहा है ये सब खत्म हो, कोई भी हो आतंकवाद, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसे लेते हैं कि मुसलमान कर रहा है आतंक में, ये कर रहा है, कोई कुछ नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं जो आतंकवादी कर रहा हो, इसलिए कहता हम खत्म होना चाहिए। अगर मुसलमान आतंकवाद कर तो उसे भी खत्म करो, सब खत्म करो, ये गरीब भी खत्म होनी चाहिए, जब इतना महंगाई हो रही है सब क्यों हो रहा है। 2014 के पहले आपने और भी सरकारें देखी होंगी, क्या आपको लगता है 2014 के बाद से कुछ बदलाव आया है देश में? कुछ बदलाव नहीं आया, परेशानी और ज़्यादा होती, परेशानी और ज़्यादा, कब जीएसटी के नाम से, कभी किसी का नाम से, हमारे किसान भाई भी इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से रहने वाले? मैं नौगांव सदर जिला अमरोहा। तो क्या विकास मुद्दा होगा या राष्ट्रवाद मुद्दा होगा? राष्ट्रवाद हो रहा, विकास कहाँ हो रहा है, विकास का तो कोई चांस नहीं लग रहा। आप किस आधार पर, राष्ट्रवाद या विकास? विकास जाएंगे, विकास होना चाहिए, विकास के नाम। वोट करेंगे इस बार? वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बनारस के मतदाता हैं कहाँ के? बनारस के मतदाता हैं, मोदी जी के क्षेत्र के, क्षेत्र से। बताइए आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा को लेकर के और भी सुरक्षा को लेकर के, जिसमें कि हमारा देश सुरक्षित हो, जिसके नेतृत्व में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, उसको वोट देंगे। बनारस में विकास का क्या हाल है? बनारस में विकास खुद चल के देखिए, बढ़िया चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। गंगा की सफाई देख लीजिए, घाटों को देख लीजिए, बनारस सिटी को देख लीजिए, वहाँ के फ्लाईओवरों को देख लीजिए, शिक्षा के लिए सीटें बड़ी हुई हैं वहाँ पे, और एम्स वगैरह का भी सुविधा सारी हो रही है वहाँ पे। क्या 2014 के बाद से बनारस में बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, बिल्कुल। अगर आपको छोड़ दिया जाए शायद आप नहीं पहुँच पाएंगे उन जगहों पर जहाँ जहाँ पहले आप पहुँचे थे। ये बताइए क्या राष्ट्रवाद मुद्दा होता है? राष्ट्रवाद मुद्दा होता है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री कितना ताकतवर है, क्या कैसे जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्या कर सकता है, एक्शन क्या होता है प्रधानमंत्री का। इस बार के 2019 लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सर मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है, विकास का। राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जो मेरे क्षेत्र में हुआ है मोदी जी की सरकार में वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली से? जी सर। वहाँ पे पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब इस बार उन इतने सालों में मतलब जो 3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब शौचालय, रोड, ये सब चीज़ें बहुत बनाई गई हैं जो कांग्रेस की सरकार में नहीं बनाई गई थी। और इस बार मैं खुश हूँ, पहले मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता था, लेकिन इस बार मोदी जी के लिए खुश इसलिए हूँ जो उन्होंने स्ट्राइक करवाई है पाकिस्तान के ऊपर, मैं इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। क्या पुलवामा अटैक के बाद से क्या देश में माहौल बदला है? बिल्कुल बदला है सर, खुशियाँ आई हैं। जब हुआ था तो पहले गम था, लेकिन जब मोदी सरकार ने वहाँ पे अटैक करवाया, उनके घर में घुसकर जो मारा, उसके बाद तो मैं बहुत खुश हुआ, मेरा शहर वाले बहुत खुश हुए। वहाँ पे हम लोग पटाखे, झंडे फहराए, सब कुछ फहराए, मतलब पूरे देश में ही मतलब खुशी का माहौल था, बढ़िया था। आप बताइए सर सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? आप विकास, विकास, विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, हर युवा को नौकरी मिले, यही मुद्दा होना चाहिए। क्या राष्ट्रवाद भी मुद्दा होगा? राष्ट्रवाद तो होगा, मेन मुद्दा है राष्ट्रवाद। एग्रेरियन डिस्ट्रेस, एज आजकल हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फार्मर्स को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और मोदी गवर्नमेंट जैसे मतलब अगर हम देखें तो
मतलब अवेयरनेस के कारण, अगर अवेयरनेस नहीं है इस चक्कर में हमारे यहाँ पे जो अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, किसानों को जानकारी मिलनी चाहिए ज़्यादा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, बट उनका एक्चुअल में जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, मिल नहीं पाता है अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, या इसकी वजह है। यही मेन मुद्दे होने चाहिए। 2019 लोकसभा चुनाव है सामने, आप वोट करने जाएंगे? हाँ, जाना तो है। आप क्या सोच के वोट करने जाएंगे, कि क्या मुद्दा होगा, किस आधार पर आप अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे? क्या होगा भाई, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। आप क्यों चुनेंगी किसी एमपी सांसद को, किसी प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री को आप क्यों चुनेंगे? जो अच्छा काम करता है उसी को चुनेंगे, और क्या, इस टाइम तो वही मोदी चल रहे हैं, उन्हीं को चुनेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, हमारा सपोर्ट उन्हीं को है। 2019 का चुनाव आने वाला है देश में, लोकसभा का चुनाव होगा, आप वोट भी करने जाएंगे, आप किस आधार पे अपने कैंडिडेट को चुनेंगे, क्या मुद्दा होगा आपके जहन में? स्वच्छ छवि, ईमानदार और कर्मशीलता पैदा। क्या राष्ट्रवाद मुद्दा है? राष्ट्रवाद एक जरूरी मुद्दा है, देश के हित में है, वो भी देखा जाता है, नजर अंदाज उसे भी नहीं किया जा सकता। मुद्दे तो और भी काफ़ी हैं जिन पर नज़र डालते हुए वोटिंग करी जाती है, और मेरे हिसाब से तो युवा जो है सारे मुद्दों को देखते हुए, मद्देनजर करते हुए वोट डालता है। आप बताइए, आप किस आधार पे अपने कैंडिडेट को, एमपी सांसद को, अपने क्षेत्र के, अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनेंगे, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा उनके काम के ऊपर होगा। काम के ऊपर जी, जैसा उनका काम रहेगा हम देखेंगे, हमें पसंद आएगा तो हम उन्हें चुनेंगे। क्या राष्ट्रवाद मुद्दा होगा? जी नहीं, राष्ट्रवाद तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी जहाँ तक है तो हम उन्हें बस उनके काम के ऊपर ही चुनेंगे, अगर उनका काम जैसा रहेगा हम काम देख के उन्हें बस। अभी तक आप काम को कैसा देखते हैं, 2014 के बाद से जो हमारे नए प्रधानमंत्री बने, इनके काम को आप कैसा देखते हैं? काम को अभी तक जहाँ तक देखा हमने बढ़िया ही देखा, गाँव में जैसे देखा जाए शौचालय को लेकर तो काफ़ी जगह उनकी काम देखा गया शौचालय को लेकर, हमारे गांव में जहाँ पे शौचालय नहीं था वहाँ पे शौचालय बने हैं। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के? प्रयागराज। अच्छा, काम हुआ है वहाँ पे? जी काम हुआ है। आप बताइए क्या मुद्दा होगा आपके लिए देश में? स्वच्छता होगा, और जो भी देश के लिए मतलब कदम उठाए जा रहे हैं उसके मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में? बीजेपी होगी। और बीजेपी से हट के आप किस आधार पर अपने सांसद को चुनेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनेंगे? जो प्रधानमंत्री को चुनेंगे ना, ये तो लोग चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव है ना ये तो। हाँ। तो इन्हीं को चुनेंगे। आप बताइए किस आधार पर आप अपने सांसद और प्रधानमंत्री को चुनने वाले हैं इस बार के चुनाव में? हम ऐसे आदमियों को चुनेंगे जो काम काज बढ़िया करे और अच्छा करे, बेरोजगारी दूर करे, उस आदमी को चुनेंगे। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा हमारे हिसाब से हमारी जो मेरा मेन मोटो जो होगा वो होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। बाकी गांव में जो कायाकल्प या मॉडिफिकेशन का जो पैटर्न चल रहा है उस पर होना चाहिए।